गाइस, मैं अंकिता और मेरे चैनल ब्लूमी अंकिता में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम तीखी चटपटी स्ट्रीट स्टाइल पानी पूरी की रेसिपी, जो सबको पसंद आते हैं, चाहे वो बड़े हो चाहे बच्चे। और मुझे बहुत पसंद है पानी पूरी और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है पानी पूरी। मैं घर में बनाती हूँ, क्योंकि बाहर जब जाओ खाने तो क्या होता है कि मैं हैदराबाद में रहती हूँ, यहाँ पे 20 रुपीज का 5 या 6 देते हैं, तो कितना भी खा लीजिए मन तो भरता नहीं है। तो मैं इसलिए घर पे बनाती हूँ और जी भर के खाती हूँ। तो देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो ये सब है इंग्रेडिएंट, जिसमें मैं ले रही हूँ 4 उबले हुए आलू, 1 कटोरी उबले हुए काले चने, धनिया पाउडर, नमक, मिर्ची पाउडर, काला नमक, इमली का जूस, भुना हुआ जीरा का पाउडर, धनिया के पत्ते, पुदीना के पत्ते, हरी मिर्च, अदरक, प्याज और नींबू। तो आज हम पानी पूरी घर में ही बनाएंगे। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पानी पूरी को किस नाम से जानते हैं, किस नाम से बोलते हैं। क्योंकि मेरे यहाँ पानी पूरी को पानी पूरी ही बोलते हैं, लेकिन बहुत जगह पे अलग अलग नाम से भी बोलते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो चलिए बना लेते हैं पानी पूरी का पानी और मसाला। तो सबसे पहले मैं एक मिक्सर जार लूंगी और उसमें डाल दूंगी ये पुदीना के पत्ते, धनिया के पत्ते, मिर्ची और अदरक। तो इन सबको ऐड कर लूंगी एक साथ और इनको हमें क्रश करना है। चटनी जैसा नहीं बनाना है, चटनी मीन्स जो हरी चटनी बनाते हैं ना, उतना ज्यादा हमें नहीं फाइन पीसना है, बस हल्का सा क्रश कर लेंगे। और मिर्ची आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, क्योंकि बाद में लाल मिर्च पाउडर भी ऐड होगा और मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी ऐड करूंगी। तो तीखा आपको कितना खाना है उस हिसाब से रख लीजिएगा। मुझे तीखा पसंद है, मेरे बच्चों को भी तीखा पसंद है, और मैं आज जो पानी पूरी बना रही हूँ एकदम चटपटा बनाऊंगी, तो थोड़ा तीखा मैं ऐड कर रही हूँ। तो इसको कर लेती हूँ क्रश। चलिए अभी पानी पूरी का पानी तो रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/2 कटोरी इमली का पल्प। इमली का पल्प बनाने के लिए आप इमली को भिगा दीजिए 10-20 मिनट्स, उसके बाद अच्छे से निचोड़ के उसका पल्प अलग कर लीजिए, कुछ ऐसा रहेगा। उसको स्ट्रेनर से छन्नी से छान लीजिए। और ये जो धनिया पुदीना अदरक मिर्ची को क्रश किया था, इसका हमें यहाँ पे लेना है जूस। बस इसका जो रस होता है वो ऐड करेंगे, पूरा नहीं ऐड करना है हमें। तो ऐसे किसी छन्नी में ले लीजिए, उसको चम्मच से दबा के देखिए, कुछ इस तरीके से इसका जो रस है वो निकाल लेना है। और बाकी इसको हमें फेंकना नहीं है, ये मैं ऐड करूंगी।
लिया था। बॉईल करते टाइम पे इसमें नमक भी ऐड कर दीजिए, तो चने में नमक का टेस्ट आ जाता है तो और अच्छा लगता है। यहाँ पे ऐड करूँगी आधा चम्मच काला नमक पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक, और ऐड कर लूंगी ये जो अदरक पुदीना धनिया मिर्ची को क्रश करके उसका जो रस पानी में ऐड किया था इसको बचा के रख लिया था, तो इसमें इसको ऐड कर दूंगी और अभी कर लेंगे इसको अच्छे से मिक्स। सारे मसाले जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, साथ में मैं ऐड कर लूंगी ये कटा हुआ धनिया। देखिए अभी से कितना अच्छा लगने लगा। स्ट्रीट पे कैसे बनाते हैं ऐसे ही, मेरे यहाँ मैं जहाँ पे खाने जाती हूँ वो ऐसे ही बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है, तो इसलिए मैं ये वाला रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए जो मसाला है वो भी हो चुका है रेडी, और ये देखिए पानी मसाला और पूरी। पूरी मैंने बाहर से मंगाया है क्योंकि झटपट बनाना था, तो पूरी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है तो मैंने घर पे नहीं बनाया। या आप ऐसे ले लीजिए, या तो एक चिप्स के जैसा आता है, जस्ट उसको ऑयल में डालिए, फ्राई हो जाए और पूरी रेडी। पूरी घर पे नहीं बनाई, बाहर से लेकर आई। पूरी की भी रेसिपी जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से घर वापस, तो ऋषित कैसा लगा पानी पूरी देखकर? बहुत यम्मी लग रहा है मम्मा, थैंक यू मम्मा। श्रेयांश? बहुत अच्छा है मम्मा, थैंक यू। ओके, तो चलिए आप लोग खा लीजिए, भूख भी लगी होगी। हाँ। खा लीजिए आप लोग। तो गाइस उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।